नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नहीं विरार में महिला से लड़के की डिमांड करने वाले शिवसेना पदाधिकारी की चप्पल से हुई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। आज सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो ने शिवसेना पार्टी का नाम मिट्टी में मिला दिया है। दरअसल विरारपुर अंतर्गत कथित तौर पर शिवसेना पदाधिकारी जीतू खाड़े को एक महिला द्वारा रिक्शों में जूते से पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें मारने वाली महिला जो कि विरार ईस्ट हेरिटेज में रहने वाली है, उनका आरोप है कि जीतू खाड़े नामक शिवसेना पदाधिकारी ने उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन पर उनसे लड़कियों की डिमांड करने लगा, जिसके बाद महिला ने जीतू खाड़े को बुलाकर जूता से पिटाई करते हुए सबक सिखाया। इस मामले पर शिवसेना पार्टी की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही अब तक इस मामले में किसी तरह की पुलिस शिकायत की जाने की खबर सामने आई है। हालांकि महिला ने अपने बयान में पुलिस शिकायत करने की बात कही थी। सुनिए पीड़िता महिला का बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। मैडम, आपका नाम क्या है और आपको जो फोन आ रहा है बार बार, वो बंदा कौन है और क्या बात कर रहा है, क्या बता सकते हैं? जी महाराष्ट्र, मैं ममता बोल रहा हूँ। ये मेरा लड़का 15 साल का है, मैं यहाँ पे 18-19 साल का ऊपर है। अभी मेरे फिलहाल ऑटो चला रही, मेरा मिस्टर नहीं, मैं यहाँ मेरा लड़का के लिए। तो इतने दिन हो गए मुझे इतना परस से कोई कभी एक गलत बात बोला नहीं। हंसी मजाक छोटे बड़े बच्चे सभी आदमी लोग से मैं बात करती हूँ। सिटी वाला तरफ से, मनसा का तरफ से, जहाँ जहाँ सब इत्यादि मिलता है। आज पता नहीं क्या हो गया, जीतू खाड़े बोल के शिवसेना का पदाधिकारी, उन्होंने मुझे आज 8-9-10 साल से पहचानता है, अच्छा तरीके नजर से तो देखता नहीं, मुझे वो पता नहीं था। आज अचानक 4-5 बार मिस कॉल आए और मैंने कॉल रिसीव की तो ब्लू कलर में बता रहा जीतू खाड़े, और उन्होंने कॉल करके मुझे गलत बता रहा है और वो मैं बता नहीं सकती। गलत और तुम्हारा पास है क्या, बार बार फोन करके बोल रहे हैं मिलो, आपके आपसे बात करना है, इसका इतना गलत इतना नीच आदमी मैं सोच भी नहीं सकता। आपने इसके लिए कोई उनके शिवसेना की पदाधिकारी है उनके पास या पुलिस स्टेशन में कहा कंप्लेन दर्ज की है? नहीं की नहीं, लेकिन अभी मैं पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करने वाला, और जो मेरा परिसर सिटी वाले का तरफ से जो सर आए उनको भी मैं विनती करके बोल रही हूँ मेरे लिए कुछ कार्रवाई करें। जो ये लेडीज लोगों का ऊपर ऐसे नजर नहीं क्यों देखते, सब लेडीज के ऊपर पर नहीं होता। मैं मेरा बच्चे को खुद देख के मैं रात दिन मेहनत करती हूँ, जो मेरा बच्चे से तोड़ होती है। आज इसके नीचे ऐसा बात की मुझे खुद को ऐसा लगता है गलत हूँ, जो ऐसा मेरे से बात की, और मैं मनसा कलर को भी बोल दूँ मैं ऐसा आदमी लोगों को मतलब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो लेडीज को ऐसा नजर में क्यों देख पा रही। आप क्या काम करती हो और कहाँ रहती हूँ? मैं शाइना चांदबाड़ी में रहती हूँ और मुझे वहाँ के सारे लोग इज्जत करते हैं, और ऑटो चलाती हूँ मैं सुबह से शाम तक, घर का काम रहते हैं, मैं शाम को 5 बजे ऑटो चलाने को जाती हूँ, कभी कभी रात को 12 बजे साढ़े 12 बज जाता है, लेकिन इस तरीका का बात मेरे को आज तक किसी से मिला नहीं। आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? मांग यही है जो आज मुझे बोला, मुझे तो रोना आ रहा है, कल और कोई औरत को बोला भी होगा, बोलेगा भी है।